गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पोलर फॉर्म करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा फॉर्म। हम लोग आर थीटा फॉर्म, आर का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। आर का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। और थीटा का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स ऑफ जेड। थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब भी आप जानते हो, पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड में आपने आर्गुमेंट ऑफ जेड भी देखा था और मॉडुलस ऑफ जेड कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने देखा था। और उसके साथ हम लोगों ने कुछ फॉर्म पढ़ा था, कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ा था, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। अब पोलर फॉर्म होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आई। दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा में ले आओ, जो एक्स और वाई था उसको आर और थीटा में कन्वर्ट कर दो। मतलब ये एक्स में भी दिख रहा है और ये वाई में दिख रहा है, इसको आर कॉस थीटा में कर दो और आर साइन थीटा में ले आओ, बस बाकी सब कुछ सेम। अब कैसे लाएंगे ये हमें आज सीखना है, ये हमें आज सीखना है। अब इसमें कार्टेशियन फॉर्म यह है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म यह है। कार्टेशियन फॉर्म जब यह है तो इसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे हमने यहां पर लिखा है, ये हमने करके दिखाया भी था आपको सेकंड पॉइंट में। उसके बाद दिस लेंथ इज आर, हमने बोला था दिस लेंथ इज आर, दिस इज इक्वल टू मॉड जेड। मॉड जेड कैसे निकाल देते हैं, बताया था डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स मींस मॉड जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने किया था, कैसे आया उसको फिर से मैं आपको एक बार और दिखा देंगे आपको। और थीटा क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये भी निकालना पड़ेगा हमें। थीटा कैसे निकालते थे बेटा, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स। यदि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या होगा, यही होगा सेम। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये हमने आपको बताया था। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। बेटा पार्ट टू देख लोगे क्लियर हो जाएगा। अब आर्गुमेंट निकालना भी आपको आता है और मॉडुलस निकालना भी आता है। अब बेसिकली जब आपको ये सारी चीज आती है तो आप करना कुछ नहीं है, करना क्या है, सिंपल सा मैं भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बिल्कुल हम लोग ध्यान से देखते चलते हैं। अब सर जब आपको सबको दिख रहा है आर की वैल्यू मिल गई, कैसे मिली वो आप कर सकते हो कि यदि आपको ये फॉर्म दिया है तो सबसे पहले पोलर फॉर्म ये लिख लोगे, क्लियर, ये दिया है इसको लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, पहला स्टेप क्या करोगे, आप क्या करोगे फर्स्ट स्टेप, कंपेयर। क्या करोगे फर्स्ट स्टेप में, कंपेयर। क्या कंपेयर करोगे बेटा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, आर का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, ये हमें निकालना है। तो आर कैसे निकालोगे, दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, बाय द स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मिल गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है ये वन होता है, आ गया आर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सब बोलेंगे सर प्लस माइनस दोनों साइन आ रहा है तो क्या लेंगे, अब आर है क्या, बेसिकली आर है क्या, डिस्टेंस है ना, मॉडुलस है ना, तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो व्हाट इज दिस टेकन, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव को हम लिखते नहीं, ये हमारा आ गया आर। थीटा निकालने का वही प्रोसेस है, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स, ये आप निकाल लोगे। बस सेकेंड में है तो पाई माइनस थीटा कर दोगे, थर्ड में है तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, फोर्थ में तो माइनस थीटा। अब सपोज मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, छोटा सा एक क्वेश्चन करके करने को दूं, मैंने बोला उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा छोटा सा, उसको आप ध्यान देते हैं। सपोज ये दिया है जेड इज इक्वल टू रूट थ्री वाई टू
प्लस वन बाई टू आई, ये गिवेन है। अब हमने बोला इसको पोलर फॉर्म में करो, तो बेटा कुछ मत करना, सिंपल लिखना। पोलर फॉर्म क्या होता है आप लिखना, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आई, इतना लिख लेना। हो गया, अब कंपेयर करना रियल वाले को रियल वाले से, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले से। तो आपका क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, आर साइन थीटा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन बाई टू, ये हो गया। अब क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर, दिस इज वन, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो आर इक्वल टू क्या आ गया वन आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब बोलोगे सर थीटा कैसे आएगा, थीटा निकालने का तरीका क्या होगा, देखो अब आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पता है, हमें क्या निकालना है टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा कैसे आएगा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, मतलब दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई दिस इक्वेशन। तो एलएचएस को आपने डिवाइड किया, फिर क्या होगा आरएचएस को आप डिवाइड कर लोगे वन बाई टू, बेटा यहां लिख रहा हूं मैं, देखना यहां पर इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, तो मैं इस साइड लिख रहा हूं, देखो यहां पर आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू एंड रूट थ्री बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ गया आपका वन बाई रूट थ्री। वट इज दिस टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया वन बाई रूट थ्री, और टेन थीटा वन बाई रूट थ्री कब होता है, टेन थीटा वन बाई रूट थ्री कब होता है सबको पता है, यस पता होना चाहिए, पाई बाई सिक्स। तो आपको थीटा भी मिल गया, क्या मिल गया बेटा थीटा, थीटा पाई बाई सिक्स। अब बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड, देखो यहां पे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो किसमें होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर क्या होगा थीटा, क्लियर। अब आर और थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, आर और थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, हम पुट कर रहे हैं, देखो बेटा आर इज इक्वल टू वन, आर को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हो गया। अब क्या करना है थीटा की वैल्यू प्लेस करो, थीटा कितना आया पाई बाई सिक्स, दिस इज अ पोलर फॉर्म, दिस इज अ पोलर फॉर्म, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। तो पोलर फॉर्म करने के लिए अपने दिमाग में बिठा लो क्या करना है, केवल तीन स्टेप करना है, वन इज द फर्स्ट स्टेप, वन इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन हाउ टू कन्वर्ट पोलर फॉर्म, मतलब पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए तीन स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप सपोज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो क्या लिखना है पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आई, क्या करोगे कंपेयरिंग, स्टेप वन में क्या करोगे कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग करोगे तो क्या आएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। स्टेप नंबर सेकेंड स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स या आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, जो भी आपको आसान लगे कर सकते हो। तो थीटा यहां से निकाल लोगे तो थीटा इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स मॉडुलस। ये तीन स्टेप करना है, आर मिल गया थीटा मिल गया, क्लियर। अब लास्ट सिस्टम में क्या करना है इसमें पुट कर देना है, बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग आर एंड थीटा पोलर फॉर्म इज फाइन। ओके बेटा हमें लगता सबको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन हमने करके दिखा दिया। ओके जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।